Hello, bachas. How are you all? A very good afternoon to you, my dear students. Ye ho tum sab, aur ye hu main. Kaise hain aap log? Is the video streaming? Pehle ye bataiye. Am I visible and audible to you people? Hi Bhavika, good afternoon. Hello Prachi, hello Vijendra. Kaise hain sab log? A very very good afternoon to my dear students. Ye hain mere pyare pyare students jo meri class mein aaye hain aur ye hoon main jo tumhara welcome kar rahi hoon kahan on our channel that is just 9th and 10th. This is a one stop solution for all of your problems bachchas. Har problem ka solution milega. Hey Ankush, I am also fine. Is the video streaming or is there any problem? Is the video going fine? Sahi ja raha hai ya koi problem aa rahi hai video mein? Hello Vijendra, kisi ko koi problem nahi aa rahi? It's streaming. Okay bachas, to bahut hi achhi baat hai, ye sunke mujhe badi khushi hui. तो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल. और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारा अन अकेडमी का जो टैग लाइन है वो क्या है, लेट्स क्रैक इट. तो हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट भी करेंगे और फिर हम लाइफ को क्रैक करेंगे गाइस. चलो तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो होने वाला है क्रॉसवर्ड पजल्स पर. क्रॉसवर्ड पजल्स कौन से वाले चैप्टर के? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के जो हैं आज हम पजल सॉल्व करने वाले हैं. और फिर से जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि एक और सरप्राइज है अपार्ट फ्रॉम द क्रॉसवर्ड पजल. एक और सरप्राइज है तुम लोगों के लिए. क्या है मैम सरप्राइज? अभी पता चलेगा, अभी कैसे बताऊं. बच्चे टाइम टेबल कल आपको 1st of September को आपको जो है टाइम टेबल पूरा मिल जाएगा. वैसे ये जो टाइम है 2 PM ये तो फिक्स रहेगा ही बच्चा, राइट? इसमें चेंज शायद ही होगा, मुश्किल होगा मेरे हिसाब से. तो 2 PM वाली जो क्लास है हमारी यूट्यूब पे ये तो फिक्स्ड है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें स्पेशल क्लासेस की और या फिर अन अकेडमी की जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ की अगर हम बात करें तो वो दोनों का जो टाइम टेबल है वो कल तक आपको प्रॉपर मिल जाएगा. और एटलीस्ट 1 week का वेट वेट हैव पेशेंस. मुझे पता है, आई नो दैट. ठीक है, तो अब क्या है, हम आज इसका क्रॉसवर्ड जो है सॉल्व करने वाले हैं. उसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए. आई एम योर एडुकेटर फॉर सोशल साइंस एंड कंप्यूटर्स. आई हैव डन एम कॉम इन अकाउंट्स, बी एड सी ए आई पी सी सी. आई एम हैविंग अ डिग्री ऑफ आर्टिकलशिप एंड अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, राइट? सो ये हूँ मैं. आगे हम बात करते हैं जो हमारा आज का स्पेशल अनाउंसमेंट है. इज इट बफरिंग? बफर कर रहा है, अभी भी बफर कर रहा है. आदित्य एक बार आप रिफ्रेश करो. कैसे करोगे रिफ्रेश? आप अपना नेट बंद करके फिर से नेट चालू करके देखो एक बार. किसी और को भी बफरिंग प्रॉब्लम आ रहा है क्या बच्चा? इज द वीडियो बफरिंग? नहीं ना. आदित्य आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, फिर किसी और को नहीं आ रहा बच्चा? प्रॉब्लम नहीं कर रहा बफर? तो आप एक बार बच्चा अपना नेट ऑफ करके ऑन करो फिर से. देखो तो अब क्या है, सितंबर आ गया है हमारा, तो ये एकदम स्पेक्टेक्युलर होना चाहिए. स्पेक्टेक्युलर, ही इज अ बैचलर है ना, पप्पू कैन डांस वाला. तो वैसे ही जो है हमारा स्पेक्टेक्युलर सितंबर है इस बार. और इस बार हमारे सितंबर में क्या क्या होने वाला है बच्चाज? इस बार ग्रामर असेंशियल्स जो भी हैं हिंदी के और इंग्लिश के वो आपको पढ़ाए जाएंगे. साईफाई जो है ज्ञानबाजी, ये हमारे साइंस वाले टीचर्स लेंगे और अपना ज्ञान तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. शॉर्टकट संडेज भी होने वाले हैं, मैथ्स मिनीज भी होने वाली हैं, व्हाट टू बी एंड व्हाट नॉट टू बी भी होने वाला है. और ये है मेरा वाला टॉपिक जिसके अंदर हम एक सीरीज़ लेंगे पूरा ए से लेकर जेड तक. ए टू जेड में मैं तुम्हें हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या फिर इम्पॉर्टेंट लोग फ्यू से बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए, राइट? क्योंकि हिस्ट्री तो इतनी सारी है ना, तो उसमें से जो 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी दैट आई विल कवर इन दीज ए टू जेड हिस्ट्री टॉपिक्स, राइट? तो ये हम करने वाले हैं, जो इसका ये मेरे ख्याल से 4 सितंबर के बाद से शायद शुरू हो जाएगा। तो वेन एवर वी विल स्टार्ट दिस, आपको पहले ही प्रायर बता बता दिया जाएगा। इज इट बफरिंग? वेट, हो गई होगी, फिर से बफर कर रहा है क्या? ओके, लेट मी चेक इट अगेन, क्या प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम आई गेस। अब दिख रही हूं मैं तुम सब लोगों को? ओके, थैंक गॉड इट इज ओके नाउ। चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं स्पेक्टेक्युलर सितंबर की बात। तो स्पेक्टेक्युलर सितंबर में बहुत सारी अमेजिंग सी जो चीज़ें हैं वो होने वाली हैं, तो बच्चाज गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। होने वाला है सुपर रॉकिंग स्पेक्टेक्युलर सितंबर, राइट? अब ये तुम लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज़, वैसे बहुत सारे बच्चों को तो पता लग ही गया अब तक, लेकिन अभी तक जिनको नहीं पता लगा उनके लिए वी आर लॉन्चिंग अ न्यू चैनल दैट इज जस्ट इंग्लिश ऑन 5th of September, टीचर्स डे के दिन हम लोग ये एक नया चैनल जो है अपनी तरफ से यानी अनअकैडमी की तरफ से आप सारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं। स्पेशली वी विल फोकस ऑन द इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबलरी, इंग्लिश राइटिंग, यानी कि कैसे आपको लेटर राइट करना है, ऐसे राइट करना है, ये सारी चीज़ें, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विल आल्सो बी देयर, तो जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश में बात करने में या जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है, वो सारे बच्चे ये चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जस्ट गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और 5th of September से ये चैनल जो है चालू हो जाएगा। 5 सितंबर को हम लॉन्च करेंगे हमारा जस्ट इंग्लिश, और इसमें क्या क्या होगा, जितने भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे, बुक रीडिंग कैसे की जाती है वो भी सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग कैसे होती है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, राइट? सो दिस इज द चैनल विच वी आर लॉन्चिंग। ये हमारी आज की हैप्पी न्यूज़ है। चलो, हाँ, अंकुश, जैसे मैंने बोला बहुत सारे बच्चे तुम लोगों में से पता होगा किसी ना किसी को, अंकुश को तो पता है, राइट? तो अब ये तुम लोगों का टेलीग्राम ऐप बच्चा जिसको डाउनलोड कर लो, इससे तुम्हें बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाएंगे। क्या सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि तुम्हें डेली अपडेट्स मिल जाया करेंगे। डेली अपडेट्स, किस चीज़ की क्लास है, कौन से चैनल पे है, कौन से टीचर की है, सारे अपडेट्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। कब क्विज होने वाला है, कब स्पेशल क्लास होने वाली है, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड ओवर देयर, राइट? अब तुम्हें क्या करना है, जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि अब जो है हम क्विजेज वो लेंगे हमारे अन अकेडमी क्विज पर। अन अकेडमी क्विज जो है वो अब होगा हमारा क्विजी क्विज, और वो कहाँ होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। तो फटाफट से जाओ बच्चाज और इसको इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में तुरंत प्रभाव से, ताकि तुम लोग भी बहुत अमेजिंग से क्विजेस का मज़ा ले पाओ। जैसे मेंटी क्विज तुम करते थे वैसे ही अब ये अन अकेडमी क्विज है जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर होगा, और वो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, राइट? सो क्लास अब तुम्हें क्या करोगे, इंस्टॉल जब कर लोगे तो तुम्हें ऑप्शन दिखेगा अपने गोल्स मैनेज करने का, वो पक्का से मैनेज करना मत भूलना। जिस क्लास में हो वो क्लास सेलेक्ट करना, और फिर ये तीन ऑप्शन तुम्हें दिखेंगे। स्पेशल क्लासेस तुम्हें पता ही है क्या है, नहीं पता अगर जो बच्चे नए हैं उनको हम बता देते हैं कि स्पेशल क्लासेस बच्चाज हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है, जहाँ पे हम ट्रिक्स, टेक्निक्स, हैक्स, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे आप अपने एग्जाम्स में ज़्यादा स्कोर कर सको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वहाँ पढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो अभी वहाँ पे चल रहा है स्पेशल क्लास में, राइट? तो जिस बच्चे को भी आना है फटाफट से इकोनॉमिक्स पढ़ने, वो आ जाइए अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ ये प्लस का जो आपके पास है एक इक्का, इसको ज़रूर फेंकना ना भूलिए। क्यों इक्का फेंकते हैं, तो जीत जाते हैं हम,
वी वॉन द द बाजी, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, डाउनलोड करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप का प्लस का जब आप बटन प्रेस करोगे तो ये बाजी आपके हाथ में आ जाएगी। और इसका क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर 24 मंथ्स, जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगता है। क्योंकि बच्चा क्या है, आप लोग 9th में और 10th में, जो 9th में है बच्चे उनके लिए तो 24 मंथ्स वाला सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन, राइट। और जो 10th में है बच्चे उनके लिए अभी 1 साल का भी सही है, या फिर आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो जो हमारा 36 मंथ्स का है, जिसमें 10th, 11th और 12th, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो, ये तीनों क्लासेस जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। बट द बेस्ट एंड द जो लेस बर्डन्ड पैकेज है दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स, उसको अगर आप अवेल करते हो तो 11,250 रुपीज़ ओनली इट इज़ योर फीस एंड सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो अगर आप मेरा कोड लगा दोगे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या है मैम आपका कोड, जल्दी से बता दीजिए, हम अभी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं। तो कोड है बच्चा भावना, BHAWANA भावना, इट इज़ माई कोड। सो यू कैन गो एंड अप्लाई इट और अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि अब जो फीस है वो कभी भी बढ़ सकती है, तो इसके पहले फीस बढ़ जाए फटाफट से भागो और अपॉर्चुनिटी क्रैब कर लो। क्योंकि अब तुम लोगों के लिए, तुम लोग मुझसे बहुत बार, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप प्लस कोर्स में कब आओगे, आप प्लस कोर्स में कब आओगे। सो आई एम कमिंग इन प्लस कोर्स फ्रॉम 10th of September, यस। तो प्लस में मैं आ रही हूँ, अपनी क्लासेस जो है लॉन्च कर रही हूँ, एक सीरीज अमेजिंग सी मैं लॉन्च करने वाली हूँ फ्रॉम 10th of September। 10th September से आई विल बी डूइंग द प्लस कोर्स, तो इसीलिए तुम लोगों को अगर उसका बेनिफिट लेना है तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, राइट। चलिए तो अब ये कल स्पेशल क्लास जो हमारी अनअकैडमी पे होने वाली है कल सुबह 11 बजे, ये तुम सारे बच्चों के लिए है, फॉर द क्लास 10th एंड क्लास 9th स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे तुम लोगों को करियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दूंगी कि तुम क्या क्या कर सकते हो, ऑप्शंस क्या क्या हैं तुम्हारे पास, करियर ऑप्शंस, किस ऑप्शन में जाने के लिए तुम्हें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, राइट। तुम्हें किस किस चीज़ों को सुधार करना चाहिए अभी से, ताकि तुम्हारे करियर में जो है वो काम आए, जो तुम जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। सो अ करियर काउंसलिंग सेशन, अ मोटिवेशनल सेशन इज़ फॉर यू पीपल ओनली ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ये हमारा सेशन है कल सुबह 11 बजे, सो प्लीज़ डू कम। चलिए तो बच्चा शुरू करें, क्रॉसवर्ड शुरू करें, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल। मैं पजल्स बनाती हूँ तुम लोगों के लिए अपने इन हाथों से, मतलब इन हाथों से नहीं, अपने कंप्यूटर से। शुरू करें बच्चास, चलो। सो आर यू पीपल रेडी, आई एम स्टार्टिंग द क्विज इन 1, मतलब आई विल काउंट टिल 5 एंड देन आई विल स्टार्ट द क्विज, ओके। चलिए सो 1, 2, 3, 4 and 5, सो द क्विज इज ओवर हियर। पहले क्विज के रूल्स कल भी बताए थे वैसे, बट आज फिर से सुन लो, क्विज के कुछ रूल्स होते हैं बच्चास। पहला रूल होता है कि हमें क्या करना है, हमें अक्रॉस और डाउन, ये दो तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और डाउन का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। इस तरीके से हमारा जो क्विज है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो पजल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो आपको उन सब वर्ड, उन जो सारे वर्ड्स हैं, आपको हिंट दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका जो आंसर है वो आपको फिल करना है, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि जब तक मैं ना कहूँ, जो क्वेश्चन मैं ना बोलूँ, तब तक कोई भी बच्चा उसका आंसर नहीं देगा। जो क्वेश्चन मैं पूछूँगी उसी का आंसर तुम लोग दोगे। ऑलराइट, शुरू करें। चलिए सो दिस इज द पजल फॉर टुडे, द क्रॉसवर्ड पजल। इसमें वी आर हैविंग 3 questions अक्रॉस एंड 7 questions डाउन, 7 questions डाउन में है और 3 questions जो है हमारे अक्रॉस में है, यानी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओ फटाफट से कहाँ से शुरू करें, पहले अक्रॉस से शुरू करें या पहले डाउन से शुरू करें, जो तुम लोग बोलोगे वहाँ से शुरू करते हैं।
या फिर तुम बोलोगे कि मैम 1, 2, 3 से स्टार्ट करो, तो वैसा ऐसे होता नहीं है इसमें, बट फिर भी अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। बताओ फटाफट से, पहले अक्रॉस या फिर अक्रॉस भाविका। ओके चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्विजी क्विज, यानी कि क्रॉसवर्ड क्विज। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। भाविका कह रही है अक्रॉस, तो अक्रॉस से शुरू किया जाए। अक्रॉस में फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन आयरलैंड लीड्स टू। एक बीमारी जो थी किसमें, पोटैटो क्रॉप्स में फैल गई थी, कहाँ, आयरलैंड के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ था बच्चाज। इजी पीजी सा, लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता है बहुत अच्छे से, जल्दी बताओ क्या हुआ था। हाँ नहीं बच्चा, पोटैटो क्रॉप में फैल गया था वो डिजीज, पोटैटो क्रॉप में, क्रॉप को डिजीज हो गया था, उसकी वजह से क्रॉप खराब हो गया था और बहुत सारे लोग वहां मर गए थे। सोचो सोचो मदन सोचो क्या हुआ होगा। भाविका डेफिनेटली यू नो द आंसर बिकॉज यू आर वेरी क्लोज, क्योंकि तुम्हें वो डिजीज तो याद है, लेकिन पोटैटो वाली जो डिजीज है वो हुई थी आयरलैंड में, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट ड्यू टू दैट, वो जो क्रॉप फेलियर हुआ, जो डिजीज़ की वजह से सारी पोटैटो क्रॉप ख़राब हो गई, उसकी वजह से जो क्रॉप फेलियर हुआ उसमें बहुत सारे आयरलैंड के लोग जो थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, वो भूख से मर गए। तो ऐसा क्या हुआ था, यू डोंट नो मदन। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, हिंट के स्टार्टिंग में है आई। बताइए बताइए जल्दी से बताइए, अब तो पक्का से याद आना चाहिए। नहीं याद आ रहा, ओ माय गॉड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है ये तो बहुत। याद करने की कोशिश करो, एक पोटैटो नामक जो सेवियर था लोगों की जिंदगी में, पोटैटो आया, वो हर चीज़ में पोटैटो खाने लगे, अब वो ढंग से खाना खा पाते थे, पहले उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो फिर क्या हुआ, पोटैटो पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हमारे आयरलैंड के लोग कि एक बार एक डिजीज़ की वजह से पूरी की पूरी पोटैटो की जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और थाउजेंड्स ऑफ आयरिश पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, और बहुत सारे जो आयरिश लोग थे हमारे वो स्टारवेशन से मर गए। तो हुआ था बच्चाज आयरिश फेमाइन। क्या यार तुम लोग, चलो सो ओके, IRISH, आयरिश फेमाइन, याद आया। अभी भी नहीं आया, ओ माय गॉड, आयरिश फेमाइन हुआ था बच्चा, क्योंकि आयरलैंड के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे पोटैटो के ऊपर, वो सिर्फ पोटैटो ही खाते थे, उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक बार जब क्रॉप फेलियर हो गया तो सारे के सारे लोग भूख से मर गए, तो उसको कहा गया आयरिश फेमाइन। चलिए तो अब हम चलते हैं, यस मैम, देखो भाविका को याद आ गया, हाँ मदन को भी याद आ गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ही आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 डाउन हम सॉल्व करते हैं। लॉ मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। एक समय ऐसा आया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कॉर्न इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन के अंदर उस पर जो है बैन लगा दिया था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था और एक लॉ पास किया था उसके लिए, वो कौन सा लॉ था। हाय जय, हाउ आर यू, ताकि क्या कर सके वो अपने, क्योंकि वहाँ के जो मार्केट के जो ट्रेडर्स थे, हमारे ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने कहा कि अगर आप ये ऐसे ही इम्पोर्ट चलता रहा तो जो हमारे यहाँ का जो फसल है वो कैसे, उसको कैसे मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। ओके हाय आकिब, हाउ आर यू, हाय अरविंद, वेरी गुड आकिब, कॉर्न लॉज, वेरी गुड बच्चा। तो कॉर्न लॉ जो थे बच्चा हमारे, CORN, कॉर्न
LAW कॉर्न लॉ जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, किस लिए पास किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर दे रहे थे उनके ऊपर जो ट्रेडर्स थे कहाँ के, हमारे, एक मिनट, जो ट्रेडर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा जो है प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना होगा अगर आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना जो मार्केट है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करें, तो आपको हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट होता है बाहर से कॉर्न, उसको कॉर्न और साथ ही साथ और भी जो फूड ग्रेन्स थे उनको आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो इम्पोर्ट था कॉर्न का वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आता था, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और कॉर्न लॉ जो था वो लगा दिया। तो उसके बाद अब यूरोप के अंदर कोई भी, मतलब सॉरी, ब्रिटेन के अंदर कोई भी जो है कॉर्न वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, राइट? चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डाउन। ये क्योंकि इसका हमें एक हिंट मिल गया ना, एक वर्ड हमें इसका पता है, तो ये देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे, एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। एक एग्जाम्पल है किसका? वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का, जल्दी से बताओ। यानी कि प्री मॉडर्न ट्रेड, आज के पहले, यानी प्री मॉडर्न यानी आज का ज़माना मॉडर्न, और मॉडर्न ज़माने के पहले जो ट्रेड होता था उसमें एक वाइब्रेंट तरीका था ट्रेड करने का, उसको क्या कहा जाता था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, नोट इट एज इम्पॉर्टेंट। देखो एस से शुरू होता है, तो तुम्हें ये तो पता है कि फर्स्ट लेटर एस से आता होगा। प्री मॉडर्न ट्रेड, ट्रेड पे हम आए तो हम देखते हैं कि क्या ट्रेड में क्या देखने को मिलता है हमें, इम्पोर्ट मिलता है, एक्सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ मिलते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है? किसी रूट के थ्रू होता होगा। बस अब इतना सारा हिंट काफ़ी है, अब तुम बताओ आंसर जल्दी से। इजी पीजी है ये तो बच्चाज, इजी पीजी लेमन लेमन स्क्वीजी। ओके सो सी, बिल्कुल अरविंद, आप थोड़ा सा पास हो अपने सही आंसर के, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, जरा सा बस लगाना है तुम्हें। हाय आकिब, अभी तो तुम आए थे। अच्छा ओके, दिस इज़ योर अकाउंट, ओके ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, सी तक तो तुम सही पहुंच गए। ओ वाह, वेरी गुड आकिब, क्या बात है, सिल्क रूट, बिल्कुल सही आकिब, एकदम अच्छे से पढ़ाई करके आया है, वेरी गुड बच्चा। अरविंद आप भी बिल्कुल पास पहुंच गए थे, शिप नहीं सी नहीं, सिल्क, सिल्क रूट, SILK RUTE, सिल्क रूट। इसे क्यों कहा गया था? क्योंकि सबसे जो ज़्यादा था सिल्क चाइना का फेमस था, और चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करता था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिल्क रूट था, बहुत सारे सिल्क रूट्स थे अलग अलग जहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता था, लेकिन सबसे पहले जो है चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, सिल्क रूट रखा गया। सिल्क जो है वो जाता था यूरोपियन कंट्रीज में फ्रॉम चाइना, ठीक है। हाय छवि, हाउ आर यू बच्चा। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो तो 3 से हमें 2 क्वेश्चंस के जो है हिंट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ डॉलर इन रिलेशन टू गोल्ड कुड नॉट बी मेंटेन्ड, दैट लीड्स टू द एप्लीकेशन ऑफ। एक समय ऐसा हुआ कि जो हमारा डॉलर था वो अपनी वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पाया, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के रिलेशन में जो है डॉलर अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से किसी एक चीज़ का एप्लीकेशन हुआ, वो क्या था? ओके ओके छवि, सो दिस इज बेसिकली फॉर क्लास 9th एंड 10th, सो बट मे बी यू फाइंड समथिंग यू नो ऑफ योर यूज़ दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। चलो बताओ फटाफट से क्या था वो। एक एक एक्सचेंज रेट जो है वो चलती थी, अगर तुम्हें पता हो तो, अमेरिका के हिसाब से अमेरिका का जो डॉलर था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू यानी कि 35
डॉलर फॉर 1 ounce ऑफ गोल्ड, यानी अगर किसी को भी 1 ounce ऑफ गोल्ड देना है तो उसके बराबर कितना है, उसके बराबर होता है हमारा ये आउंस, 1 ounce ऑफ गोल्ड इसके बराबर कितना होता था, $35 होता था। तो ये हमारे लिए सबके लिए माना जाता था, ये एक फिक्स्ड रेट थी एक्सचेंज की, जिसको भी इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है उसको सबको ये वाली वैल्यू पे ही करना पड़ता था। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि जो यूएसए था हमारा, वो अपनी जो वैल्यू थी ये 1 ounce की $35 के बराबर, वो मेंटेन नहीं कर पाया, तो ये सिस्टम हट गया। और कौन सा सिस्टम आ गया एक्सचेंज रेट का, विच एक्सचेंज रेट, पहले फिक्स्ड थी, यानी 1 ounce गोल्ड का कितने डॉलर के बराबर है, $35 के बराबर, यानी अगर किसी को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है और अगर वो 1 ounce ऑफ गोल्ड दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, $35 के बराबर ही मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पेन है वो कितने का है, वो है मेरे पास $35 का, तो अगर मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करूँ तो वो कितने का होगा, 1 ounce ऑफ गोल्ड के बराबर होगा। राइट? नहीं बच्चा, बार्टर सिस्टम नहीं छवि, नॉट बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज रेट जो थी वो है बच्चा, ये एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करती थी पहले स्टार्टिंग में, जब हम रीबिल्ड कर रहे थे हमारी इकोनॉमी को पोस्ट वॉर, तो उस समय पे यूएसए ने क्या किया, क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को लोन्स दे दिए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने जब लोन्स दिए या जब वो ट्रेड करता था तो उसने फिक्स कर रखी थी कुछ रेट, फ्लेक्सिंग नहीं बच्चा, फ्लोटिंग। यू आर बिल्कुल थोड़ा सा पास थे एकदम, फ्लोटिंग रेट्स हो गई थी, यानी कि अब जो है 1 ounce ऑफ गोल्ड ज़रूरी नहीं कि वो $35 के बराबर हो। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कभी डॉलर जो है हमारा, $1 की वैल्यू अगर हमारे इंडियन रुपीज़ में देखें तो 75 चलती है, कभी 70 चलती है, कभी 68 चलती है, कभी 72, 73, तो ऐसे वेरी करती रहती है बच्चा। ये है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड। चलो तो अब क्या है हमारा, तो फ्लोटिंग जो रेट थी, नहीं बच्चा हिस्ट्री में ही है ये हमारा, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड जो है हम पढ़ रहे हैं, हमारा थर्ड चैप्टर है ये, कि World War I के बाद कैसे फिर से हमने जो हमारी इकोनॉमी थी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर छवि। आकाश हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चलो तो फ्लोटिंग रेट्स जो थी वो अब अप्लाई हो गई थी, क्यों, क्योंकि अमेरिका जो था वो अपने गोल्ड में वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, किसकी वैल्यू को, डॉलर की वैल्यू को, यानी कि अगर $35 रखने हैं उसको किसके लिए, 1 ounce ऑफ गोल्ड के लिए, तो अब उसके पास 1 ounce ऑफ गोल्ड नहीं था, तो डॉलर की वैल्यू कभी कम हो जाती थी कभी ज़्यादा हो जाती थी, तो वो चीज़ वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से जो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी उसको चेंज करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर दिया गया था। राइट? ओके, चलो तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7, इसका हमें मिल गया है हिंट। चलो तो अ डिजीज दैट किल्ड द 90% ऑफ द अफ्रीकन कैटल्स, एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसकी वजह से 90% जो कैटल्स थे हमारे अफ्रीका के वो मर गए थे। बताओ, ये तो इजी पीजी है, तुम्हें बिल्कुल पक्का से पता होगा, कैटल्स की बात हो रही है बच्चा, कैटल्स की, लोगों की नहीं, कैटल, कैटल कैटल यानी कि भेड़ बकरी गाय भैंस, एनिमल्स जो होते हैं हमारे, वो कैटल्स मर गए थे बहुत सारे, कितने, 90% अफ्रीका के कैटल इस बीमारी की वजह से मर गए थे। और ये बीमारी जो है ये हमारे यहाँ से, यानी कि एशियन कंट्रीज से, जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी, एशियन कंट्रीज से भेजे गए थे अफ्रीकन कंट्री में कुछ एनिमल्स जिनके अंदर ये बीमारी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अफ्रीका के जो सारे कैटल्स थे वो लगभग 90% मर गए। इजी पीजी, आर से शुरू होता है, आर, आर से सोचो क्या है बच्चा,
ये तो इतना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन है यार। चलो एक और तुम्हें हिंट देती हूँ। देखो यहाँ पे पी आएगा और लास्ट में टी आएगा। दो मैंने ब्लॉक्स फिल कर दिए, अब तो तुम बता सकते हो पक्का से ये आंसर। वेरी गुड भाविका, रिंडरपेस्ट, RINDEERPEST, रिंडरपेस्ट जो थी बच्चा, ये बीमारी थी, ये फैली थी किसमें? अफ्रीका के सारे कैटल्स के अंदर। इसको कैटल प्लेग भी जो है कहा गया था, तुम्हें याद हो तो। बहुत सारे जो अफ्रीकन कैटल्स थे, क्योंकि अफ्रीका क्या था, अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा रिच रिसोर्सेज में था, कैसी उनके पास अबंडेंस में लैंड था बहुत सारा, और बहुत सारे कैटल थे उनके पास। तो जब यूरोपियन लोग थे वो वहाँ कॉलोनीज बनाने गए, तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ प्लांटेशन और माइनिंग करना चाहते थे, पर उन लोगों ने वहाँ पे, जो अफ्रीकन लोग थे, उन्होंने वहाँ प्लांटेशन में और माइन्स में काम करने से मना कर दिया। तो अब क्या किया हमारे जो जो बाकी दूसरी, जैसे ब्रिटिश, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी हमारे इंडिया में, वहाँ से बोल के अफ्रीका के अंदर बुलवाए गए कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये बीमारी ऑलरेडी थी, रिंडरपेस्ट। तो जैसे ही वो एनिमल वहाँ पहुँचा और बाकी दूसरे एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आया, तो वो सारे एनिमल्स में भी वो बीमारी फैल गई, और अफ्रीका के 90% जो कैटल्स थे वो मर गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से अब लोगों के पास रोजगार नहीं रहा बेसिकली, क्योंकि वो उसी पर डिपेंडेंट थे, अपने कैटल्स पे और लैंड पे। तो जब कैटल्स नहीं रहे तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उनको फिर मजबूरी में आके जो है प्लांटेशंस में और जो हमारे माइनिंग था उसमें काम करना पड़ा। राइट, हाय निशित, हाउ आर यू। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th पे आ जाते हैं। मैप ऑफ विच कंट्री शोज द स्ट्रेट लाइंस, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके मैप के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलती है? जैसे तो उसको रूलर से ऐसे सीधा सीधा बस खींच के उसके स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया हो। हाय अंकित, हाउ आर यू, मसाया इज हेयर, से हेलो टू मसाया एवरीवन। चलो बताओ फटाफट से, कौन सा हमारा ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसका अगर तुम उसको देखो तो उसके स्टेट्स ऐसे डिवाइडेड हैं जैसे तुम्हें स्ट्रेट लाइंस लगेंगी दिखेंगी, कि किसी ने बस स्केल लिया होगा और ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी होंगी मैप के ऊपर, तो वो कौन सा कंट्री है हमारा, जल्दी से बताओ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन नंबर 8, ए से शुरू होता है। अब ए से तो बहुत सारे कंट्रीज है मैम, अब जो हम पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, यू आर लेट, इट्स ओके। बताओ फटाफट से, इजी पीजी लेमन स्क्वीज, अंकित बताएगा इसका आंसर। हाय रागी, हाउ यू। नहीं निशित, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं पूरे चैप्टर में। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर लाइंस, जिसके मैप में हमें लाइंस लाइंस स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलती हैं? चलो एक और लास्ट में तुम्हें हिंट दे देती हूँ कि लास्ट में भी उसके ए आता है। कौन सा कंट्री है, कौन सा? नहीं, अमेरिका भी नहीं। मिना मिना ए ए वक्का वक्का ए, फिर आगे इट्स टाइम टू अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर। इस गाने के बाद भी तो, हाँ देखो मसाया को याद आ गया, बिल्कुल अफ्रीका, भाविका को भी आ गया, अफ्रीका था बच्चा। क्योंकि क्या हुआ था अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज थे, उन लोगों ने रूल किया वहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्लेवरी बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ के लोगों को स्लेव बना दिया जाता था, क्योंकि अबंडेंस में उसके पास रिसोर्सेज थे, और सारे यूरोपियन कंट्रीज ने उनको हड़प लिया। तो अगर तुम उसका मैप देखोगे तो
तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो डिवाइडेड है। किस चीज़ में डिवाइडेड है? वो ऐसे डिवाइडेड है कि जैसे वहाँ पे लोगों को जो है अपने कल्चर और उसके हिसाब से नहीं बांटा गया, सिर्फ लाइन खींच के जो है डिवाइड कर दिया गया। बाकी अगर तुम किसी और कंट्री का मैप देखोगे या जैसे हमारे ही कंट्री का मैप देखोगे, तो तुम ये पाओगे कि हमारा जो कंट्री है उसका जो जो उसके स्टेट्स हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है कि कॉमन रिलीजन है उन लोगों का, कॉमन कल्चर है। जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है, फिर राजस्थान में राजस्थानी। तो ऐसे उस कल्चर के और उस लैंग्वेज वाले लोगों को एक साथ रखा गया है। बट अफ्रीका में ये चीज़ नहीं की गई। वहाँ पे रिलीजन का, वहाँ पे कल्चर का, लैंग्वेज का कोई ध्यान नहीं रखा गया। बस ऐसे एकदम सीधी सीधी लाइंस खींच दी गई, राइट? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है? स्पेनिश कॉन्करर्स कैरीड अ जर्म टू अमेरिका। कुछ स्पेनिश जो है हमारे कॉन्करर्स आए थे, पोर्चुगीज और स्पेनिश, उन लोगों ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाई थी। कैसे? वो किसी हथियार से जंग नहीं जीते थे, ना ही उन्होंने किसी वेपन का यूज़ किया था, पर उन्होंने एक ऐसा जर्म था जो फैलाया था जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए। बच्चा मेंटी नहीं होगा, मेंटी की जगह हमारा अनअकैडमी क्विज होगा। वो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो है वहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी जब भी होने वाला होगा। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टिंग वर्ड है एस। ये तो भाविका को आता ही है पक्का से। भाविका को आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन तब से वो सोच रही है कि ये भी क्वेश्चन नहीं है। मैम ने 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जिसका आंसर वो होना चाहिए था। बताओ बताओ जल्दी से। वेरी गुड आके, वेरी गुड भाविका, क्या बात है बच्चा। स्मॉल पॉक्स जो है हमारा, स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी, LLPOX, जो स्मॉल पॉक्स था हमारा, वो कहाँ ले जाया गया था? वो ले जाया गया था स्पेन से अमेरिका। क्योंकि स्पेन जो था, पहले क्या होता था, हर एक कंट्री एक दूसरे से मतलब सब आइसोलेटेड रहते थे, कोई इतना कनेक्शन नहीं होता था। तो जब क्या हुआ, स्पेनिश जो कॉन्करर्स थे, स्पेनिश जो रूलर्स थे, जब वो अमेरिका गए तो वो अपने साथ एक बीमारी ले गए। उस बीमारी का नाम था स्मॉल पॉक्स। अब जो हमारे अमेरिका के लोग थे उन्होंने तो ये बीमारी कभी देखी नहीं थी, तो उनके बॉडी में इस बीमारी की इम्यूनिटी ही नहीं थी। तो जैसे ही ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो है अमेरिका में पहुंची, वैसे ही जो थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन थे उनको ये स्मॉल पॉक्स होने लगा और लोग इससे मरने लग गए। और इस बात का फायदा उठाया स्पेनिश और पोर्चुगीज ने, और उसको क्या कर लिया, कॉनकर कर लिया अमेरिका को। ओया ओया ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें दो जो वर्ड्स हैं इसमें, दो लेटर्स जो हैं हमें मिल गए हैं इस वर्ड के। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वी विल गो टू दैट। फूड ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना एंड बिकम स्पैगेटी। ये तो एकदम इजी पीजी है और तुम सब बच्चों को, मुझे पता है, ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होगा। चलो बताओ अंकित इस क्वेश्चन का आंसर। ओया ओया एक फूड है जो ट्रेवल किया कहाँ से? चाइना से, और क्या बन गया? स्पैगेटी बन गया। वेरी गुड निशित, नूडल्स। ये तो सब, मैंने कहा था ना, ये सबका फेवरेट है, कोई भी बच्चा जो है इसे नहीं भूल सकता। तो जो नूडल्स हैं बच्चा, आप तुम सोचोगे मैम फूड कैसे ट्रेवल करता है, तो बच्चा यही तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि क्या क्या ट्रेवल करता था। लोग ट्रेवल करते थे, लोगों के आइडियाज ट्रेवल करते थे, फूड ट्रेवल करता था, कल्चर ट्रेवल करता था, और साथ ही साथ इंस्पिरेशंस और ये सब चीज़ें भी ट्रैवल करती थी एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे तो, राइट? तो इसीलिए जो नूडल कहाँ का खाना था, चाइना का, वो जैसे ही चाइना से बाहर निकल के और दूसरे कंट्रीज में गया, यूरोप में गया, तो वो क्या बन गया? नूडल से स्पैगेटी बन गया, राइट? तो नूडल को अगर तुम्हें कोई पूछे कि नूडल का दूसरा नाम क्या है, तो तुम बता देना स्पैगेटी। और अगर कोई तुमसे पूछे, अगर तुम्हें कोई बोले डू यू वॉन्ट हैव स्पैगेटी, तो तुम बोलना, ऐसे मत बोलना कि वॉट इज स्पैगेटी, मेरी नाक कट जाएगी वरना। तो स्पैगेटी के लिए अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलना येस आई विल हैव नूडल्स, डोंट वरी। मार्गरेटा, हे भगवान, टेम्पटिंग फूड का नाम मत लो, भूख लग जाएगी वरना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
एनिमल्स वर शिप्ड फ्रॉम अमेरिका टू एक क्योंकि क्या है, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा मीट की जो है वो उनका बेसिक फूड था, तो अमेरिका से जो है वहाँ पे शिप के द्वारा भेजा जाता था एनिमल्स को. वो जगह कहाँ है, कौन सी जगह थी जहाँ अमेरिका से भेजे जाते थे एनिमल्स शिप के थ्रू. अरे अंकित तुम्हारी बात नहीं हो रही, बट जिसकी किसी को अगर नहीं पता हो इन केस तो बताओ आंसर बताओ. गार्लिक ब्रेड बाद में खाना. ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, बट फिर भी चलो तुम एक और हिंट ले ही लो. कौन सा ऐसा जगह थी, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पे जो है, नहीं अफ्रीका नहीं बच्चे, ए से स्टार्ट होता है ना अफ्रीका, तो ई से क्या स्टार्ट होता है, चीज. कम ऑन अंकित जल्दी बताओ, जल्दी 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 सोचो. निशित आप सही थोड़ा सा डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो है वो तो पकड़ लिया है, पर कौन सा कॉन्टिनेंट, कहाँ सप्लाई होता था, क्या एनिमल्स सप्लाई होते थे वहाँ जाके और उनको काटा जाता था, फिर उनको पका के और खाया जाता था. इंग्लैंड भी नहीं बच्चा, इंग्लैंड में देखो जी, क्या यहाँ पे जी आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आर आ रहा है, तो क्या है, यूरोप. वेरी गुड निशित, तो जो यूरोप नहीं यूरोप था हमारा, EUROPE यूरोप, वहाँ पे भेजे जाते थे एनिमल्स अमेरिका से शिप में डाल के. अब क्या होता था, जो शिप जाता था वो दो दो तीन तीन महीने उन्हें लग जाते थे, तो इतने लंबे शिप के ड्यूरेशन में कई एनिमल्स तो मर जाते थे, कई बीमार हो जाते थे, और कई अपना वजन जो है वो लॉस्ट कर देते थे और वो खाने के लिए फिट नहीं रहते थे. तो उसकी वजह से क्या किया गया, रेफ्रिजरेटेड जो शिप्स थे उनका इन्वेंशन हुआ, याद है, फ्रिज वाले जो शिप थे वो बनाए गए, और क्या होता था फिर अमेरिका में ही स्लॉटर किया जाता था एनिमल्स को, और फिर उन जो रेफ्रिजरेटेड फ्रिजेस थे उनके अंदर, शिप्स जो थे उनके अंदर स्टोर करके फिर भेजा जाता था. तो फिर क्या हो गया था, मीट की जो प्राइजेस थी वो कम हो गई थी यूरोप में, और हर कोई उसे अफोर्ड कर पा रहा था, राइट. बट इट्स ओके, कुछ कर नहीं सकते. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वेल नोन पाइनियर इन मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स, एक ऐसा इंसान जो पाइनियर माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा एक मान सकते हो आपको, जिसको एकदम टॉप ऑफ द मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स, टॉप में जो सबसे पहले माना जाता है वो इंसान जिसने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया था कार्स का, वो कौन थे, बहुत ही फेमस हैं वो, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए. मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स के देवता कौन थे, कौन था. अंकित आज सबको ना ये सारी डिशेस जो वो भेज रहा है ना मैसेज करके, वो सबको सब खिलाने वाला है, ट्रीट देने वाला है, आज सबके लिए ऑर्डर करेगा वो स्विगी जोमैटो से, है ना. चलो जल्दी से आंसर बताओ, अभी एक और क्वेश्चन है आगे, मतलब एक और वो है तुम्हारे लिए सरप्राइज पजल, उसे भी तो सॉल्व करना है. ओके सो टाइम इज अप, और आंसर था हमारा हेनरी, हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड याद है तुम्हें, फोर्ड कंपनी के, फोर्ड मोटर्स के जो ओनर हैं, उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स, यानी बल्क में एक साथ कार्स बनाना शुरू किया था. सबसे पहली कौन सी कार थी फोर्ड की, टी मॉडल, टी मॉडल ऑफ फोर्ड, फोर्ड का पहला जो कार था, हाँ हेनरी फोर्ड. अब सबको याद आ गया, देखो कितने नालायक बच्चे हो. चलो तो हेनरी फोर्ड जो थे उन्होंने सबसे पहले मास प्रोडक्शन शुरू किया था कार्स का. उसके पहले पता है तुम लोगों को क्या करते थे बच्चा, जो उनके स्लॉटर हाउसेस थे, यानी जहाँ एनिमल्स को काटा जाता था ना, काट के साफ करके और फिर शिप्स के लिए तैयार किया जाता था, तो वो स्लॉटर हाउसेस, खच्चर खाने उनके थे. फिर उससे उन्होंने क्या है, वो वहाँ से शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे जब पैसा आ गया उनके पास तो फिर उन्होंने कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू की, राइट. सो दिस वॉज डन. अब अगला जो हमारा सरप्राइज है वो क्या है, वो है स्क्रैम्बल वर्ड्स. पता है क्या होते हैं स्क्रैम्बल वर्ड्स, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग होता है वैसे कुछ स्क्रैम्बल वर्ड्स भी होते हैं, यानी कि जंबल वर्ड्स. तुमने बचपन में बहुत सारे सॉल्व किए होंगे,
ऐसे अलग अलग जो तुम्हें मिसमैनेज्ड उल्टे फुल्टे करके वर्ड दे दिए जाते हैं और फिर तुम्हें उन्हें अरेंज करना होता है। एक हिंट दिया हुआ होगा, इसका रूल है बच्चा, मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक हिंट दिया हुआ है, वो हिंट को तुम्हें पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद जो वर्ड दिया हुआ है उसको तुम्हें अरेंज करना है इन अ ट्रू मैनर, जिसमें वो होने चाहिए, सही वर्ड तुम्हें उसको अरेंज करना है, ठीक है। चलो, यू नो स्क्रैम्बल, यस, जम्बल वर्ड्स, वेरी गुड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, एन इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप टू फिनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। ब्रेटन वुड्स के अंदर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, दो बनाए गए थे, उसमें से एक का काम था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कराना। कौन सा था वो? ये रहे वो वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बनता है पूरा इसका नाम, तो क्या है बताओ? ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, जल्दी से बता दो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, वेरी गुड, आपके क्या बात है बच्चा, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही, WORLDBANK, वर्ल्ड बैंक जो था बच्चा, ये सेटअप किया गया था ब्रेटन वुड्स में, जो है बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे और पॉलिटिशियंस थे उनकी एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल क्या था आगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे ये ब्रेटन वुड में स्टैब्लिश किए थे। जो हमारा IMF था उसका काम था फिनेंस प्रोवाइड करना, किस चीज़ के लिए, उनको जो बाकी की जो इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं है उसको स्ट्रांग करने के लिए, कंट्रीज़ के सरप्लस और डेफिसिट्स को देखने के लिए। और जो वर्ल्ड बैंक था इसका क्या काम था, ये फिनेंस प्रोवाइड करता था किस चीज़ के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यानी दोबारा से नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये पैसा देता था। तो इन दोनों को एक और वर्ड से बुलाया जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस। चलो, ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी बुलाया जाता है। चलो चलो, अगला क्वेश्चन, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट। जो हमारे अब वहाँ पे डिस्कशन हुआ था उस ब्रेटन वुड में, तो क्या कहा गया था, जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे, इकोनॉमिस्ट का जो हमारा स्पेशली ये मानना था, उन्होंने दो थ्योरीज दी थी, उसमें से पहली थी कि जो हमारा मास प्रोडक्शन है ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तब तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक कि क्या ना हो, वो क्या था बताओ, ये फर्स्ट वर्ड और ये सेकेंड वर्ड। बच्चा, नो आईडी, द आईडी इज जस्ट 9th एंड 10th। चलो, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी यू कैन गो एंड टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, देन वी विल टॉक बाय अप्लाइंग माई कोड। चलो बताओ फटाफट से क्या था, इतना भी टफ नहीं है। चलो हिंट दे देती हूँ मैं तुम्हें कि फर्स्ट वर्ड तो MASS, मास ही है, ये दूसरा वर्ड क्या है ये बता दो मुझे। हाँ, डाउट के लिए ही तो बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट द डाउट। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। ओके, सो मास कंजम्पशन इज द राइट आंसर। क्या कहा था कि जब तक मास कंजम्पशन नहीं होगा तब तक मास प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप प्रोड्यूस करते चले जाइए करते चले जाइए, कोई उसको यूज करने वाला नहीं होगा तो कैसे फायदा होगा। अब मम्मी रोटी बनाती चली जाए, इतना ढेर लगा दे और तुम लोग खाना ना खाओ तो वेस्ट होगी ना, वो तो क्या काम की वो रोटी। तो वैसे ही जो मास प्रोडक्शन था वो तब तक सस्टेन नहीं कर सकता था जब तक क्या ना हो, मास कंजम्पशन ना हो। चलो, तीसरा, द यूएस बैंकिंग सिस्टम, जो हमारा यूएस का बैंकिंग सिस्टम था, कोलैप्स्ड एंड लीड्स टू।
वो कोलैप्स कर गया था, क्योंकि क्या हुआ था, जो बहुत ज़्यादा कर्जा था यूएसए के ऊपर वो चढ़ गया था। कैसे? क्योंकि पहले उसने बहुत सारा कर्जा जो है लोगों को दे दिया, और फिर करेंसी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, बैंक्स के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो बैंकिंग सिस्टम हो गया कोलैप्स। उसकी वजह से बैंक्स को क्या कहा गया, या पूरा देश जो है वो क्या हो गया, एक वर्ड है ये, बी से शुरू होता है और वाई से ख़त्म होता है। बताओ जल्दी से। नहीं पता? बैंकक्रप्ट। वेरी गुड। आके बैंकक्रप्सी जो है वो बोला जाता है उस टर्म को, कि कंट्री जो है बैंकक्रप्ट हो गया था या बैंकक्रप्सी हो गई थी। तो बी ए एन के आर यू पी टी सी वाई, बैंकक्रप्सी। राइट, सो बैंकक्रप्सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड आकिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। एक ऐसी वॉर हुई थी जिसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर बोला गया था। कौन सी थी वो? तीन वर्ड से मिलके बनती है। ये तो तुम्हें इजी पीजी है, ये तो बिल्कुल पता चल जाएगा, और तुम अगर ध्यान दोगे, फोकस करोगे इन वर्ड्स पे भी, तो तुम इसे अरेंज कर पाओगे। गिव मी द आंसर अंकित, फास्ट। ओके, वेरी गुड आके। वर्ल्ड वॉर वन, बिल्कुल सही। जो वर्ल्ड वॉर वन थी, डब्ल्यू ओ आर एल डी, डब्ल्यू ए आर ओ एन ई, वर्ल्ड वॉर वन जो थी उस, वेरी गुड भाविका। तो वर्ल्ड वॉर वन जो थी उसको कहा गया था क्या? फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। वेरी गुड मसाया, वेरी गुड निशित, क्या बात है। चलो बस अब दो क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर उसके बाद हम सभी चलेंगे अंकित। चलिए, तो ट्रेड सरप्लस यूज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पे होम रेमिटेंस टू देयर ऑफिशियल्स इन इंडिया। जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो वो उनको जो ट्रेड सरप्लस होता था, इंडिया का सारा खजाना जो वो बेच बेच के यहाँ से बाहर अपने फॉरेन कंट्री, अपने कंट्री के अंदर दे देते थे, उससे जो वो फ़ायदा कमाते थे, सरप्लस जो उनको होता था ट्रेड सरप्लस, उसका वो उससे क्या करते थे, वो होम रेमिटेंस पे करते थे, अपने जो ऑफिसर्स थे उनको घर रहने के लिए प्रोवाइड करते थे, उनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनको वो पेंशन देते थे, और अपने जो ट्रेडर्स थे उनको भी रेमिटेंस देते थे। तो वो क्या कहलाता था वो टर्म, एक उसे क्या करना होता था, होम, सॉरी मैं बोल देती अभी गलती से, तो कुछ दो वर्ड से मिलकर वो जो है वर्ड बनता है जो ब्रिटिशर्स करते थे ट्रेड सरप्लस का। बताओ क्या करते थे? होम चार्जेस। वेरी गुड निशित, होम चार्जेस जो हैं वो पे करते थे, होम चार्जेस, बिल्कुल सही। जो ट्रेड में सरप्लस होता था उनको, उससे वो होम चार्जेस, होम चार्जेस का मतलब इंडिया में जहाँ उनकी कॉलोनीज थी वहाँ के जो लोग थे उनको वो पैसा देते थे, किस किस फॉर्म में, पेंशन देते थे, होम रेमिटेंस देते थे, और ट्रेडर्स को भी उससे रेमिटेंस दिया करते थे। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन होम एंड फॉरेन कंट्री। एक बॉन्डेड लेबर जिसको क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है एम्प्लॉयर के साथ, और उसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम करवाया जाता है, या तो वो अपने खुद के होम कंट्री में, या फिर उसे फॉरेन कंट्री जो है भेज दिया जाता है। दो वर्ड से मिलके बनता है ये वर्ड, कौन सी लेबर होती है वो? ये वाला वर्ड तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, लेबर है। ये क्या है बताओ? बाय अंकित। वेरी गुड आकिब। इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड जो लेबर थी हमारी, उसे कहा जाता है कि वो क्या, कौन सी लेबर होती है? बॉन्डेड लेबर होती है, जिसे एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंडर साइन किया जाता है, और उसे या तो अपने कंट्री में ही, या फिर दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता था काम करने के लिए। तो अब जो हमारे इंडिया के लोग थे उनको भी एज एन इंडेंचर्ड लेबर जो है भेजा जाता था। सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? मॉरिशस और फिजी में। मॉरिशस और फिजी, ये दो जगह थी जहाँ सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ के वर्कर्स को भेजा जाता था। वेरी गुड अंकित, इंडेंचर्ड लेबर।
सो दिस वॉज द स्क्रैम्बल वर्ड पजल। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, राइट? आया कि नहीं आया? अच्छा तो था ना। तुम अब ये सुनो मेरी बात, जो भी मैं क्रॉसवर्ड में या ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाती हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेती हूँ जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन ये और 6 क्वेश्चन ये वाले, इनको रट लेना एकदम अच्छे से। रटना मतलब समझ के पूरा याद कर लेना कि ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। रटना कुछ भी नहीं है वरना भूल जाओगे सब, राइट? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सो मार्क देम इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब जिसको भी क्विज करना है वो सारे बच्चे डाउनलोड कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहाँ पे सारे अमेजिंग से क्विजेज होंगे। और आई एम ऑल्सो कमिंग ऑन द प्लस डैशबोर्ड, प्लस जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी मैं आ रही हूँ ऑन अनअकैडमी। तो फटाफट से तुम लोग जाके सब्सक्राइब कर लो। क्या सब्सक्राइब करना है? सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना है, राइट? सो वहाँ जाके तुम्हें अपने गोल्स मैनेज करने हैं, प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो ले लेना है। अमाउंट जो है तुम्हारा 12 मंथ्स के लिए वो है बच्चाज ओनली एंड ओनली 11,250 रुपीज़। वेरी गुड अंकित, क्या बात है! थैंक यू आकिब, थैंक यू भाविका। अच्छा प्लीज मेक सम सेम टाइप ऑफ क्विज। हाँ बच्चे, मैं सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो है क्विजेस, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स सब तुम्हें करवाऊंगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है? लास्ट तक ऐसा होगा एकदम पढ़ने के बाद तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, राइट? बिना बुक खोले। चलो सो तुम्हें अब क्या करना है फटाफट से, और अगर तुम और भी अमेजिंग से जो क्विजेज है वो अटेंड करना चाहते हो और मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो लेना चाहते हो और साथ ही साथ जो मेरे प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो फटाफट से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो। उसके तुम्हें बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के, वो तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे लाइव और रिकॉर्डेड उन सब पे, तुम वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें सारे के सारे नोट्स जो हैं वो वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। हर चैप्टर के नोट्स तुम्हें वहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे मे बी मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स ना दूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं के दे दूँ, बाकी वहाँ हर चैप्टर के तुम्हें नोट्स दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत सारे क्विजेज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अमेजिंग अलग अलग सी क्लासेस होंगी कि कैसे हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा जाए और कैसे दिमाग में रखा जाए, राइट? सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन माई प्लस कोर्स बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स एंड बाय अप्लाइंग माई कोड दैट इज़ भावना, BHAWANA। अगर तुम ये मेरा कोड जो है अप्लाई करते हो बच्चा, तो तुम्हें पूरा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 11,250 रुपीज़ तुम्हारी सब्सक्रिप्शन फीस है। और क्या करना है तुम्हें, अगर ये जल्दी से अवेल करनी है तो चले जाओ और आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि बच्चा प्राइज़ में राइज एनी टाइम, कभी भी जो है प्राइजेस बढ़ सकते हैं, नए प्राइजेस अप्लाई हो सकते हैं। तो तुम लोगों को अगर बेनिफिट लेना है उस चीज़ का तो आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, राइट? और ये कल स्पेशल क्लास है, इसमें सारे बच्चे आएंगे, कोई भी नहीं मिस करेगा ये क्लास, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करियर ऑप्शंस। कल करियर काउंसलिंग तुम लोगों की होने वाली है बाय भावना मैम। तुम्हें कल बहुत ही सारे ज्ञान वचन जो है उनकी प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। तो फटाफट से आ जाना 11 बजे सुबह, कहाँ? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है? चलिए, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बिना लाइक किए कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, मतलब वैसे मुझे पता है तुम लोगों को अच्छा लगा सेशन, बट फिर भी प्लीज़ गिव मी लाइक्स। और क्या करना है, हमारा जो जस्ट 9th 10th है इसको फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ये मेरा कोड है, भूल जाओ तो फिर से याद कर लो, भावना, BHAWANA। आई एम अ भावना विथ 3 A's इन माई नेम। चलो अब मिलेंगे कल। हाय आकांक्षा, यू आर लेट बच्चा। हाय शिवम, यू आर ऑल्सो लेट। तुम बच्चे लेट आए हो। आज का जो सेशन है वो खत्म हो गया। क्यों अंकित? यूट्यूब पर क्या बच्चे, निशित क्या पूछा आपने? सॉरी मैंने देखा नहीं। चिट चैट सेशन सून वी विल डू इट, डोंट वरी बच्चे।
निशित आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था बट मुझे वो नजर नहीं आ रहा अब। ये जो हमारी स्पेशल क्लास है ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाली है बच्चा। चलिए नहीं, इट विल बी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे अवे फ्रॉम कोरोना गाइज। ओके बाय।